पीटी को लेकर छात्र का आंदोलन है। उनका कहना है कि बीपीएससी पीटी परीक्षा एक ही दिन हो और एक ही पाली में हो, और कई और मांगे से बीपीएससी पीटी परीक्षा का सेंटर के लिए जिला के आसपास ही होना चाहिए। इसको लेकर तमाम मुद्दे को लेकर आज बिहार लोक सेवा आयोग का घेराव करने आए हैं। अभी तमाम तस्वीर आप साथ साथ देख रहे हैं। हम लोग सर सिर्फ एक सीट पे परीक्षा चाहते हैं, चाहे वो परीक्षा कल ही बीपीएससी ले ले, उसके लिए हम तैयार है। बस एक शिफ्ट में सभी बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, सभी को एक समान प्रश्न पत्र मिलना चाहिए। 20 और 22 सितंबर को जबकि नोटिफिकेशन में कहीं नहीं था, जब 8 मई को जिस पैटर्न पे परीक्षा हुई उसी पैटर्न पे अभी परीक्षा होनी चाहिए। हम लोग का यही मांग है कि खेल के बीच में नियम चेंज नहीं होता। जिस पैटर्न पे जिस नियम के तहत 8 मई को पीटी परीक्षा हुई उसी नियम के तहत होना चाहिए। और यूपीएससी मेंस की परीक्षा है, उस बीच में बीपीएससी पीटी की परीक्षा लेने की बात कही जा रही है, उसी समय यूजीसी नेट की परीक्षा है। अब बताइए किसी अभ्यर्थी का मेंस परीक्षा दिल्ली में होगा चेन्नई में होगा, वो कैसे अगले दिन बिहार आएगा? और बिहार में भी पता चलता है अररिया का सेंटर सासाराम, आरा का सेंटर किशनगंज, तो कैसे दिया चले जाएंगे? क्या रॉकेट से लॉन्च करके हो जाएंगे सेंटर पे? ये संभव नहीं है। तो इसलिए यूपीएससी परीक्षा के बीच में तो होनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि खेल के बीच में कोई भी नियम चेंज नहीं होता है। कोई भी खेल अगर शुरू होता है तो खेल शुरू होने से पहले जो नियम होता है उसी नियम का पालन खेल अंत तक किया जाता है। लेकिन बीपीएससी ने बीच में चेंज किया, परसेंटाइल सिस्टम का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार का नया द्वार है बीपीएससी के द्वारा खोला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय से हम लोग अपील करने आए हैं कि आप छात्रों के हित में और किसी शिक्षकों के कहने पे कोई काम मत कीजिए। बाकी जो सुधार इन्होंने किया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो क्या अब क्या होगा अगर मिलेंगे और वो कहेंगे, जैसा कि छात्र अभी के बीच से बोल रहे थे कि हम जब मिलने गए थे अध्यक्ष महोदय से तो बोले कि वहाँ से अभी की बात कीजिए, पहले क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए, अभी की बात कीजिए। अभी अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिलेंगे, अगर वो मिलना चाहेंगे तो, नहीं मिलेंगे तो हम लोग कैसे मिल सकते हैं? लेकिन हम लोग उनसे मिलने आए हैं और हमें उम्मीद है कि वो मिलेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, उनको सब बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है 6 लाख अभ्यर्थियों को, और उसके बाद उनका क्या जवाब आता है उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। नहीं माने तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। नहीं चलेगा।